कौशल्या मुतुवेल को सीवीड यानी समुद्री घास से कमाई का पता बचपन से ही था। पिता की मौत के बाद उनकी मां ने सीवीड की खेती से ही घर का कामकाज चलाया। इस काम की बदौलत हम अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। मेरी और मेरे भाई की पढ़ाई लिखाई में यही पैसा काम आया। सीवीड फार्मिंग हम सब के लिए एक बढ़िया मौका लेकर आया है। समंदर के किनारे जाकर एक दिन की फसल के 1,000 रुपए तक बन जाते हैं। भारत के दक्षिण पूर्वी तटीय इलाकों में समुद्री घास की फसल कौशल्या जैसे परिवारों की कमाई का पारंपरिक जरिया रहा है। 1990 के दशक से सीवीड फार्मिंग औद्योगिक स्तर पर होने लगी। सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक करुपणन ईश्वरन ने मछुआरों के साथ मिलकर सीवीड की खेती का एक सीधा साधा तरीका विकसित किया। मंडपम में हमने आर्थिक रूप से जरूरी सीवीड की पैदावार बढ़ाने के लिए तकनीकी विकास पर खास ध्यान दिया। भारत में कप्पा फाइकस की पहली व्यवहारिक तकनीक हमने तैयार की। देश में व्यावसायिक पैमाने पर उगाई जाने वाली ये अकेली सीवीड है। सीवीड समंदर में कुछ दूर तक तैरते बांस के बेड़ों पर उगाई जाती है। नए पौधे कतारों में रखे जाते हैं। जड़ पकड़ते ही पौधे एक दिन में 60 सेंटीमीटर तक उगाते हैं। उसी दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड भी सोख रहे होते हैं और कुछ ही हफ्तों में वे कटाई के लिए तैयार भी हो जाते हैं। सीवीड की फसल अगर अच्छी होती है तो हम यहाँ लाकर उसे बांट लेते हैं। अगर हम एक ही बेड़े पर फसल उगाएंगे तो उससे ज्यादा कमाई नहीं होगी। ऐसे में हम 50 बेड़े में फसल उगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ के परिवार मुख्य रूप से मछली पालन पर ही निर्भर थे। मछलियाँ कम होने लगी तो कई लोगों ने घर क्या इलाका ही छोड़ देने का फैसला कर लिया। लेकिन बड़े पैमाने पर सीवीड फार्मिंग ने नए अवसर पैदा कर दिए। जब हमने 2004 में कमर्शियल सीवीड कल्टीवेशन शुरू किया था तो 900 से ज्यादा परिवार सुरक्षित रोजी रोटी के लिए पुडुकुट्टई या रामनाथपुरम जिले से ईरोड या तिरुपुर चले गए थे, लेकिन वे सब लौटकर सीवीड की खेती में लग गए। अब हर महीने हर व्यक्ति को 20,000 रुपए से ज्यादा की कमाई हो रही है। सीवीड की फसल इलाके में काम करने वाली कंपनियों को बेच दी जाती है। वहां उससे कैरागिनन नाम की चीज निकाली जाती है, जिसका इस्तेमाल बहुत से औद्योगिक उत्पादों में होता है, जैसे जिलेटिन, फूड थिकनर, कॉस्मेटिक्स और दवाइयों में काम आता है। सीवीड से फर्टिलाइजर भी बनता है और मवेशियों का चारा भी। लेकिन यहाँ भी ग्लोबल वार्मिंग अपना असर डाल रही है। खेती वाले इलाकों में पानी के बढ़ते तापमान से 2013 में एक साथ बहुत सारे पौधे सूख गए थे। आज भी वे उस तबाही से उबरने में लगे हैं। बड़े पैमाने पर पौधों की मौत का कारण था जलवायु परिवर्तन। 20 साल से ज्यादा समय से हम एक ही बीज इस्तेमाल कर रहे थे। सीवीड की ग्रोथ थम गई क्योंकि उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होने लगा। हमारी पैदावार हर साल 2000 टन से महज 3000 पर आकर सिमट गई। मार्च और जुलाई के दरमियान पानी खासा गर्म रहता है, इसीलिए एक्वाग्री कंपनी और लोकल किसान सीवीड उगाने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं। कामयाब उपायों में एक इंडोनेशिया से मिला है। वहां किसान अपने बेड़ों को समंदर में और आगे खींच कर ले जाते हैं, जहां पानी ज्यादा ठंडा होता है और सीवीड बढ़िया उगती है। लेकिन यहां तमिलनाडु में अपनी फसल को आगे खिसकाने के लिए किसानों को सरकार की हां का इंतजार है। पूरी दुनिया में सीवीड की मांग बढ़ रही है। खाने के टिकाऊ स्रोत के रूप में उसका नाम हुआ है। FAO की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 55% और फूड प्रोडक्शन चाहिए। समंदर से हम सिर्फ 5% ले पा रहे हैं। जहां तक भारत का सवाल है, बतौर भोजन सीवीड का इस्तेमाल सिर्फ 0.1% है। Less than 0.1% of that is seaweed as a food.
कौशल्या मुतुवेल को यकीन है कि खेती के नए तरीकों से वो अपनी कमाई बढ़ा पाएंगी। मैं बहुत दिल लगाकर सीवीड उगा रही हूँ, मुझे और कमाना है, अपना घर बनाना है, इसलिए मैं तो ये काम करती रहूंगी। तमिलनाडु में 13,000 से ज्यादा परिवार सीवीड की खेती पर निर्भर हैं। यहाँ की औरतें जल्द ही इस एल्गी यानी काई को प्रोसेस करना भी सीख जाएंगी, इससे उनकी कमाई भी बढ़ेगी।